सुबह का मन्ना 30 नवंबर 2020। देने का उचित स्थान। दशमांश देने वाला पहला व्यक्ति इब्राहिम था। किसी ने उसको जिस सच्चाई नहीं सिखाई थी, जब तेजों में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, तब उसने देने के अनुभव में पाई जाने वाली अनुग्रह और महिमा को जाना। उत्पत्ति 14:18-20। इब्राहिम ने परम प्रधान परमेश्वर के जाजक मलकीसेदक को दशमांश दिया। हमें भी मलकीसेदक को अपना दशमांश देना चाहिए, अर्थात उन जाजक जज सेवकों को जिन्होंने मलकीसेदक के कर्म के अनुसार अपनी प्रतिष्ठा को ही, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है। इब्राहिम 7:3। यीशु ने अपने चेलों को जय प्रतिष्ठा सिखाई। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। लूका 14:26। जिन्होंने इसी प्रकार अपनी प्रतिष्ठा नहीं की, वह दशमांश पाने के वचन अनुसार योग्य नहीं। मलकीसेदक को इब्राहिम दशमांश देने से पहले मलकीसेदक ने इब्राहिम को रोटी और दाख मधु दिया, जो प्रभु भोजन देने की छाया है। जे दिखाता है कि दशमांश उस स्थान में दिया जाना चाहिए जहां एक विश्वासी आराधना करता है और भोजन लेता है। लोग सोचते हैं कि जहां पर आवश्यकता अधिक है, वहीं पर दशमांश दिया जाना चाहिए, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों से में चुन लेगा, वही तुम अपने दशमांश ले जाना करना। वाविस्तावन 12:5-6। दशमांश देने से पहले इब्राहिम को आशीष मिली। धन्य परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब इब्राहिम ने उसको सबका दशमांश दिया। उत्पत्ति 14:20। दशमांश देना हमारी कृतिज्ञानता को और परमेश्वर ने हमें आशीष किया। वह हमारे शत्रु शैतान के ऊपर विजय दी है, उसकी प्राप्ति की निशानी है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने गवाही दी कि जब उसने दशमांश देना आरंभ किया, तब से लेकर परमेश्वर ने उसे अधिक अधिक आशीष दी और उसने धीरे धीरे करके 10 में से 1 हिस्से से बढ़कर 10 में से 9 हिस्सा परमेश्वर को देना आरम्भ कर दिया। सारी दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के चरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मलाकी 3:10। सुबह का मन्ना। गॉड ब्लेस यू।